हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली पवार। आज का हमारा वीडियो एमसीबीएसई हॉर्टिकल्चर के बारे में है। एमसीबीएसई के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार देख लीजिए। एमसीबीएसई को एचएससी ओकेशनल का कोर्स भी कहा जाता है। आप 11th एंड 12th में 2 साल का आपका ओकेशनल का कोर्स कम्प्लीट होता है। एमसीबीएसई यह +2 पैटर्न है। इसमें आप थियरी और प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलता है। एमसीबीएसई आईटीआई के बराबर है। आप हॉर्टिकल्चर में एमसीबीएसई कोर्स करते हैं तो आप मराठी लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होती है। हॉर्टिकल्चर यह एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें आप फल फूल सब्जी जैसे पिको के बारे में, फलों नई टेक्निक यूज करके कैसे उत्पादन में बढ़ोतरी हो उसके बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाता है। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस बहुत ही ज्यादा सरल होता है। आपकी एग्जाम यह एचएससी बोर्ड के थ्रू होती है। एचएससी हॉर्टिकल्चर यह आर्ट कॉमर्स की तरह ही एक स्ट्रीम है। 12th पास होने के बाद आपको वोकेशनल का एक सर्टिफिकेट मिलता है। आगे आपको जॉब करनी है तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। एक गार्डन सुपरवाइजर, नर्सरी सुपरवाइजर, सीड इंडस्ट्री में फार्म मैनेजर जैसे और भी फील्ड है जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। आपकी सैलरी की बात की जाए तो आपको स्टार्टिंग में 10,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक की सैलरी मिल जाती है। आप खुद का भी एक स्वयं रोजगार यानी कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे और पढ़ाई करके अच्छी जॉब पाना चाहते तो आप आगे वोकेशनल कोर्स में ही BU हॉर्टिकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ से BSc हॉर्टिकल्चर का भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको BSc हॉर्टिकल्चर में बाम्बू यूनिवर्सिटी से करनी है तो आप 12th में साइंस स्ट्रीम से पास होना आवश्यक है। अगर आपको हॉर्टिकल्चर में आगे पढ़ाई नहीं करनी, फील्ड चेंज करना है तो आप BA, BCom, BBA लॉ में पढ़ाई कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।